हमारी इस्लामी निजाम तालीम है, जैसा कि आपने एनालाइज किया, और हर गलती का जिम्मेदार जो है हमारा इस्लामी निजाम तालीम करार दिया है। जी हाँ, मजहबी निजाम तालीम को आपने हर बुराई का जो है ना वो मंबा करार दिया है। जी हाँ, इस्लामी होता तो जवाल ना होता। जी हाँ, तो आपने जो मजहबी तालीम है उसकी बुनियाद पे आपने उसको कंडेम किया है और कहा है कि ये एक जो है ना नाकाम सारा सिलसिला है। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ मजहबी तालीम नाकाम नहीं है बल्कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी नाकाम हुई हैं, लेकिन उस तरफ आपने तवज्जो नहीं फरमाई। उनकी नाकामियों को भी अगर आप एनालाइज करते तो बेहतर सूरत हाल सामने आती। आपने एक चीज को तो सामने रखा है लेकिन दूसरे रुख को नजरअंदाज किया है। आपने पिछले सालों की शिकस्तें तो बताई हैं हमें, लेकिन आपने ये बात बताना नहीं पसंद किया कि कैद आजम ने वोट के जरिए मुमलिकत हासिल की थी, हमने जमहूरी तरीके से यह पाकिस्तान बनाया था। आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, आप इतना हौसला नहीं था। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि जो डेमोक्रेटिक हमारा जो कामयाबियां हैं वो भी हैं, और जब हम नाकाम पाकिस्तान में इसलिए हो रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक कल्चर है। हमने लोगों का वोट से जो है यकीन उठ चुका है कि हम वोट से तब्दीली नहीं ला सकते, और आप जैसे लोग खुल के बात भी नहीं करते उस सिलसिले में। यही बात तो कर रहे हैं, कोई कोई बात नहीं, नहीं मैं सर ये बात, लेकिन भैया आपका अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो डॉक्टर साहब देखें, बात ये नहीं है। बात आप जब क्या हमारी मीटिंग है तो आप बात सुने, ये तो बात नहीं, ये बात जी गुफ्तगू मेरा ख्याल है दानिशमंदों में कुछ और समझ गया, बुलंद आवाज में कुछ बाकी गेट का जलसा नहीं है, ये एक दानिशवरों की एक मजलिस है। मैं बड़ी खामोशी से बैठा हूँ और बड़ी खुशी से एक नहायत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, और वो हमारे नहायत काबिल एहतराम मेहमान हैं, और मैं पुरजोर इत्तेजाज करता हूँ कि आपको किसने मेंबर बनाया है इस सोसाइटी का। ये बात की बात है, तो बाद में कर लेंगे आप उसमें। आप मेंबरशिप देना, हमें कोई आना नहीं आ रहा, ये आपको खानदानी आ रहा है। मेरी लोगों में तो बात, मैं इसको अपने इदारे की आप कैसे मेंबरशिप देने वाले, आप तो हाकम है लगे हुए। जी मैं इस इदारे का एक अदना सा मेंबर हूँ, और मैं अपने इंतहाई मोहतरम मेहमान के बारे में, गुफ्तगू इस इदारे की नहीं है, बेहतर है आई विल नॉट टॉलरेट। सर मैंने जो बात की थी इसी की, मेरा सवाल इतना था कि सिर्फ दीनी तालीम जो है गवाह का सवाब नहीं है। हमारे आप अगर मुझे इजाजत दे दें, मेरी गुजारिश, देखिए बात यह है कि मुझे यहाँ पर किसी सियासी इज्तिमे में नहीं बुलाया गया था, एक मुतय्यन मौजू दिया गया था जिस पर मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये मेरी बदकिस्मती है कि आप उस वक्त मौजूद नहीं थे और मेरी पूरी बात आप नहीं सुन सके, और जितनी सुन सके हैं उसमें मेरी कजमज बयानी है कि मैं शायद अपनी बात पूरी तरह वाजे नहीं कर सका। तो मैं अपनी इस गलती का एतराफ करता हूं, और उसके साथ आपकी खिदमत में बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करता हूं कि मैंने सारे मामले का तजिया किया था और ये बताया था कि असल में मसाइल क्या हुए हैं। जब आदमी सवालात का जवाब दे रहा होता है तो हर मौके के ऊपर वो पूरी बात नहीं दोहराता इन तमाम मामलात के बारे में, बल्कि मैंने उन एरियाज को मुतय्यन किया था जो हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज हैं। मेरे सामने जो सवाल रखा गया था वो सवाल ये था कि इस वक्त सकाफती और समाजी सतह पर जो मीडिया की यलगार हो रही है और जिस तरह एक दौरे हाजिर की तहजीब है, इसके मुकाबले में हमें जो उलमा और मुस्लिम दानश्वरों के किरदार को मुतय्यन करना है। यानी आप उस मौजू को देखिए, वो कोई सियासी मौजू नहीं था। एक बात ना, मैं किसी सारी दुनिया की तारीख पर तबसरा कर रहा था। मेरी चंद गुजारिशात हैं बहुत अदब के साथ आपकी खिदमत में। पहली गुजारिश मेरी ये है कि जब आप किसी मामले का मुताला करते हैं तो जाहिर बात है कि उसमें कई पहलू हो सकते हैं उसके। मसलन मुसलमानों के जवाल के क्या असबाब हैं, वो आपके नजदीक एक हो सकते हैं, किसी दूसरे आदमी के नजदीक दूसरे हो सकते हैं। मेरा एहसास ये है कि जब भी कभी सोसाइटी के अंदर खराबी आती है, अगर सियासतदान बिल्कुल दुरुस्त हो और हुकूमत का निजाम भी बिल्कुल दुरुस्त हो और बाशरा भी बिल्कुल दुरुस्त हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर वो बिगड़ जाए तो इसकी इस्लाह का आखिरी जगह जो है वो मजहबी स्कॉलर है।
وہی اصل میں اٹھتا ہے، وہی مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے. مسلمانوں کی پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، سیاست اس سے متاثر ہوتی ہے اس کے بعد. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہماری مذہبی تعلیم درست ہو جائے تو اس کے اثرات ہماری سیاست پر بھی پڑیں گے، معاشرت پر بھی پڑیں گے، تہذیبی روایات پر بھی پڑیں گے. یہ موضوع تھا جس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ہرگز یہ کہنا پیش نظر نہیں تھا کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی یا ناکامی کی ہے. میں مذہبی عالم کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کو کس جگہ سے جدوجہد کرنی چاہیے، اس پر گفتگو کر رہا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی جگہ پر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کے خیالات کے خلاف ہو. ایک ڈیموکریٹک ماحول کے اندر یہ حق تو ہم کو ماننا چاہیے نا کہ آپ کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، مجھے بھی اپنی بات کہنے کا. اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی اس کو ہم فراموش کر ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اس کی ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اختلاف خوشگوار ماحول میں کرنا سیکھیں. یہ میرا خیال یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی ایک بڑی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، غور کریں اس کے اوپر، تبادلہ خیالات کریں، اور یہ کہہ کے اٹھ جائیں کہ ہمیں سخت اختلاف ہے، لیکن اتنے خوشگوار طریقے سے کہہ کے اٹھ جائیں کہ چائے کڑوی نہ ہو جائے.